नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तंबाकू के घटक के बारे में, मतलब तंबाकू में टोबैको में कितने प्रकार के केमिकल्स होते हैं और उनसे हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे आप कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट्स को पर्सनली पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाई करता हूँ। आप यदि मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे, ये जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं कि हमारे जो हम तंबाकू खाते हैं उसमें कितने प्रकार के केमिकल्स होते हैं। देखिए, जो भी टोबैको हम लेते हैं, चाहे वो हम खाने के रूप में लें या स्मोकिंग करने के रूप में लें, उसमें 4000 प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, 4000 टाइप के केमिकल्स उसमें पाए जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो भी आप तंबाकू लेते हैं उसमें 4000 प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। अब आप सोचिए, आप एक बार में कितने प्रकार के हार्मफुल केमिकल को लेते हैं। 4000 जो डेटा है वो कोई कम नहीं होता है। इन 4000 प्रकार के केमिकल्स में 200 प्रकार के केमिकल ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो एक डेटा और बता दूं कि 4 से 5 सिगरेट में जितनी निकोटीन पाई जाती है, यदि आप उस निकोटीन की मात्रा को एक साथ लेते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। निकोटीन इतना ज्यादा हार्मफुल होता है। मैं आपको फिर से बताऊं, एक बार ध्यान सुनिए कि 4 से 5 सिगरेट में जितनी मात्रा निकोटीन की पाई जाती है, यदि आप एक बार में उतनी निकोटीन ले लें तो एक साथ ले लें तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक पॉसिबल हो सकती है। अब आप सोच लीजिए कि कितना हार्मफुल होता है। नेक्स्ट टाइम तंबाकू खाने से पहले इस वीडियो के लिए आपने जब देख लिया है तो प्लीज 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 जरूर सोचिएगा कि इसको खाना है, इसको छोड़ना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है। प्लीज आप तंबाकू खाना बंद करें, छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ें, लेकिन जरूर छोड़ दें। इसको भी छोड़ने का एक तरीका होता है। प्लीज खाने के पहले अपने घर परिवार, अपने बाल बच्चों को देखें, उनके बारे में सोचें, उसके बाद डिसीजन लें। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि छोड़ दें। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 4000 प्रकार के केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं, उसमें से 200 प्रकार के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। उन 200 में से मैं आपको कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में जानकारी दूंगा जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं एक एक करके उनको आपसे डिस्कस करूंगा। जो पहला केमिकल है उसको हम बोलते हैं एसीटोन। यह एक प्रकार का सॉल्वेंट होता है, एक प्रकार का कह सकते हैं बहुत ही हार्मफुल वाला ये केमिकल होता है। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम गाड़ी वाहन पेट्रोल डीजल वाले चलाते हैं उसके धुएं में पाया जाता है। तो सोचिए, उसी कार्बन मोनोऑक्साइड को हम सांस के माध्यम से डायरेक्टली अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं, कितना हार्म कर सकता है, कितना नुकसान हमारे शरीर को, हमारे फेफड़े को कर सकता है। इसका एक और मेन कंटेंट है और वो है DDT। आप जानते हैं कि DDT एक प्रकार का कीटनाशक होता है, ये भी तंबाकू में पाया जाता है। गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। नेक्स्ट इसमें केमिकल पाया जाता है और वो है मिथेनॉल। मिथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है और ये जो रॉकेट वगैरह जाते हैं अंतरिक्ष में भेजते हैं उसमें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मटेरियल है, वो भी हमारे तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट है निकोटीन। निकोटीन एक कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और वास्तव में तंबाकू खाने में जो लत लगती है हमें, कि हमें बार बार तलब उठती है कि तंबाकू खाना है, वो इसी निकोटीन के कारण होता है, केवल इसी एक केमिकल एजेंट के कारण होता है। यदि कोई ऐसा तरीका आ जाए कि तंबाकू से इस निकोटीन को निकाल दिया जाए और फिर उस व्यक्ति को तंबाकू खिलाया जाए तो खा तो लेगा लेकिन उसको लत नहीं लगेगी, यानी वो ऐसा कोई मजबूर नहीं होगा, बार बार उसको तलब नहीं उठेगी यदि उससे निकोटीन को हटा दिया जाए। तो निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो तलब करता है, जो एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पोलोनियम 210। यह एक प्रकार का रेडियो एक्टिव मटेरियल है। सोचिए कि इतना खतरनाक एजेंट तंबाकू में पाया जाता है, पोलोनियम 210, जो एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एजेंट होता है।
उसके बाद एक और आता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड प्लास्टिक मटेरियल बनाने के काम में आता है। ये भी हम डायरेक्टली इंटेक करते हैं, चाहे वो खाने के रूप में ले, स्मोक करने के रूप में ले, और ये डायरेक्टली सभी हमारे फेफड़े में जाकर के जमा कर होते हैं और बहुत सारी समस्याओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे मैंने आपको डेटा बताए हैं जो कि टोबैको में होता है। तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे छोड़ दें, खाने के पहले एक बार विचार जरूर करें। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।